कैसे और कहां पर आप सिक्के सेल कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से एंड तक एक भी पॉइंट मिस ना करते हुए ध्यान से देखिए। इस वीडियो का लिंक आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ब्लू कलर में इस वीडियो का लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कहीं पर सर्च करने की और ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरे हाथ में है स्टील के एक 5 रुपए के कॉमोटिव सिक्का, थंबनेल में भी आपने देखा है, इसका प्राइस आज की डेट में है लगभग 2200 रुपये, मतलब 2200 रुपीज के आसपास। कॉमोडिटी का ये सिक्का आज से 2-3 महीने 6 महीने पहले था लगभग 700-800 रुपये के आसपास, सडनली इसका कीमत ऊपर गया है। पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बस मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। जब से मैं वीडियो बना रहा हूं तब से लेकर आज तक 400 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, और इन 400 वीडियो में से लगभग 4 से 5 वीडियो आपको कॉमोडिटी के इस 5 रुपए के सिक्के के बारे में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आज इस सिक्के के बारे में वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्यों? जब मैंने पहले वीडियो बनाया था उस समय इस सिक्के का प्राइस था 300 रुपए के आसपास यूएनसी कंडीशन में, उसके बाद 400, उसके बाद 500, उसके बाद 600, 700, 850, 800, इसके मतलब या फिर आप कह सकते हैं 900 रुपये या फिर 1000 रुपये का, 1000 नहीं हुआ था दोस्तों। ये 4-5 आज के इस एपिसोड को मिला के अगर इस सिक्के का 6वां होता है, 6 एपिसोड होता है तो दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस जब भी इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, तब भी वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों। आज क्यों बना रहा हूँ? सडनली जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इसका कीमत बढ़ गया है। कहाँ से कहाँ तक? 700-800 रुपये से आज है लगभग 2200 रुपीज के आसपास। सिक्का कौन सा है? मैं जब इसे टर्न करूंगा दोस्तों आप थोड़ा सा तो चौंक ही जाएंगे, और ये सिक्का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे इशू किया गया था 2006 में भारत के 2 अलग अलग मिंट में, कलकत्ता और हैदराबाद। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये है कलकत्ता मिंट का सिक्का, और इसका जो मीन पार्क आप यहां पर देख सकते हैं, इस सिक्के का मीन पार्क होता है यहां पर, कलकत्ता मीन है इसीलिए यहां पर कोई भी मीन पार्क नहीं है। अगर ये हैदराबाद होता तो यहां पर एक स्टार मीन पार्क होता। हैदराबाद मीन का जो मीन पार्क वाला जो सिक्का है ये मैं साइड स्क्रीन में दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये जो सिक्का मेरे हाथ में है ये सर्कुलेशन इशू सिक्का है, सर्कुलेशन से ही मुझे मिला है, लेकिन अच्छे कंडीशन में मिला है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये जो सिक्का मेरे हाथ में है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थीम पे इशू किया गया एक नॉर्मल सिक्का। इसका प्राइस वो भी मैं आपको बताऊंगा, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट में से कौन सा ज़्यादा कीमती है, कौन सा आपको कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो 2200 वाला सिक्का है वो है दोस्तों ये सिक्का। आप जिन्हें पता है सिक्के के बारे में वो समझ गए हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें ऐसा ही लगेगा ये तो दोनों एक ही सिक्का है। देखिए ये है रिवर्स साइड और ये है ओवर साइड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्हें पता है वो समझ गए हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें ऐसा ही लगेगा ये सिक्का तो दोनों सिक्का तो एक ही सिक्का है। तो फिर एक सिक्के का कीमत कम और एक सिक्के का कीमत इतना ज़्यादा क्यों? उसका रीज़न है दोस्तों, कारण है ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है एक नॉर्मल सिक्का। दोस्तों जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, ये है एक नॉर्मल सिक्का, लेकिन ये जो अभी देख रहे हैं ये है म्यूल सिक्का। क्यों ये म्यूल है वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। देखिए म्यूल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 रुपए के म्यूल समझने के लिए आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, कहां पर? इस पत्ते पर, यहां पर आप देख रहे हैं। मैं और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं और लाइट पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो दो पत्ते आप देख रहे हैं दोनों साइड में, तो पत्ते की मुंह देखिए, पहले भी मैंने बताया है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। देखिए पत्ते की मुंह देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं दोनों, ऊपर के जो पत्ता है ये भी और नीचे की जो पत्ता है ये भी देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है दोनों साइड में।
इस साइड में भी देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, दोनों साइड में। अब ये देखिए, बहुत म्यूल सिक्का दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अब ये देखिए, इस सिक्के को आप देखिए दोस्तों, ये देखिए, पहले सिक्के में, नॉर्मल सिक्के में था दोनों ही पत्ता, ऊपर वाला नीचे वाला अंदर की तरफ मुंह मुड़ा हुआ था, लेकिन इस सिक्के में देखिए ऊपर वाला पत्ता बाहर की तरफ मुंह मुड़ा हुआ है और नीचे वाला पत्ता अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, दोनों ही साइड में देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। लेकिन इस सिक्के में फिर से देखिए, दोनों ही पत्ते का मुंह देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ये है नॉर्मल सिक्का, ये है म्यूल सिक्का। अब दोनों सिक्के को मैं थोड़ा सा अगर साइड बाय साइड रखता हूँ तो आपको और भी डिटेल में मालूम हो जाएगा। आप अभी आप देख सकते हैं, देखिए एक और जो डिफरेंस है वो है लायन में। लायन मतलब ये जो अशोका लायन कैपिटल होता है, दोनों लायन का आप ध्यान से देखिए, देखिए जो हल्का सा डिफरेंस आपको मालूम होगा। ये जो लायन है ये है नॉर्मल लायन या फिर फैट लायन, और ये जो लायन है ये है थिन लायन। अब दोस्तों ये म्यूल क्यों बना, सबसे बड़ा जो सवाल है, म्यूल क्यों बना? क्योंकि देखिए सिक्के जब सर्कुलेशन में आता है उसके साथ यूएनसी और प्रूफ सेट में भी आता है। कोलकाता मीन का ये जो स्टेट बैंक का सिक्का है, इस सिक्के में भी 100 रुपीज और 5 रुपीज 5 रुपीज आपका यूएनसी और प्रूफ सेट में आया था, कोलकाता मीन से ही आया था। प्रूफ सेट में जो 5 रुपये का सिक्का, प्रूफ सेट में जो 5 रुपये के सिक्के का डिज़ाइन है वो ऐसा डिज़ाइन है, और नॉर्मल सिक्के में जो डिज़ाइन है वो तो मैंने आपको दिखाया। तो वही प्रूफ सेट का जो, प्रूफ सेट का जो डाई है 5 रुपये का, रिवर्स साइड और अवर्स साइड का, वही डाई यूज किया गया है इस सर्कुलेशन इशू 5 रुपये के सिक्के में, इसीलिए ये एक म्यूल सिक्का है। नॉर्मल सिक्के की प्राइस अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो नॉर्मल सिक्का है आज की डेट में, जैसे कि आपको पहले मैंने कहा कलकत्ता और हैदराबाद, तो आज की डेट में कलकत्ता हो या फिर हैदराबाद मिंट हो कॉमन कैटेगरी में ही आता है, लेकिन हैदराबाद मिंट का जो प्राइस है वो कलकत्ता मिंट से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या प्राइस है? सबसे पहले कलकत्ता मिंट, अगर ये सिक्का कलकत्ता मिंट का यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो आज की डेट में आपको मिल सकता है लगभग 50 रुपीज से 60 रुपीज के आसपास, मतलब 50 रुपये से 60 रुपये के आसपास कलकत्ता मिंट, जहाँ पर मिंट पार्ट नहीं होता है। और अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो लगभग 25 से 30 रुपये के आसपास, अगर वेरी फाइन कंडीशन में है तो 10 रुपये के आसपास, और अगर फाइन कंडीशन में है तो उतना कुछ खास वैल्यू नहीं है, आपको 6 रुपये के आसपास मिल सकता है। कलकत्ता मिंट हो गया, अब है हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन में, हैदराबाद मिंट मतलब यहाँ पर होगा एक स्टार मिंट पार्क, वो सिक्का अगर आपके पास है तो आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकता है लगभग 100 रुपये के आसपास, मतलब 100 रुपीज के आसपास। और अगर वेरी फाइन कंडीशन में है तो लगभग 50 रुपये के आसपास, अगर एक्स्ट्रा फाइन में है तो 50 रुपये के आसपास, अगर वेरी फाइन में है तो आपको मिल सकता है लगभग 25 रुपये के आसपास, और अगर फाइन कंडीशन में है तो 8 रुपये से 10 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं म्यूल सिक्के की, तो म्यूल सिक्के का जो प्राइस है वो तो मैंने आपको बता दिया है। एक और जो बात है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, म्यूल सिक्के में यूएनसी, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, फाइन कंडीशन तो देखा जाता है, लेकिन वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। म्यूल सिक्का यूएनसी है या फिर एक्स्ट्रा फाइन है, लगभग प्राइस सेम होता है। ये न्यूमिस्मैटिक के फील्ड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। म्यूल सिक्का एक ऐसा सिक्का है जिसका, हाँ कंडीशन तो देखा जाता है लेकिन उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लगभग अगर अच्छे कंडीशन में है, जैसे कि मेरे हाथ में ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये यूएनसी नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है, फिर भी इस सिक्के का मुझे 2200 रुपये के आसपास ही मिलेगा। हाँ थोड़ा सा बायर से बार्गेनिंग हो सकता है, बायर कह सकते हैं कि 2200 नहीं आप 2000 ले लीजिए, तो ऐसी ये जो बात है ये अलग बात है, लेकिन लगभग मुझे ऐसा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी ये यूएनसी नहीं है। अगर जेम यूएनसी है या फिर यूएनसी है तो फिर प्राइस और भी ज़्यादा मिलेगा।
और दोस्तों अगर वेरीफाइन तो एक्स्ट्रा फाइन और UNC की बात मैंने कह दिया है, अगर वेरीफाइन कंडीशन में है तो प्राइस नीचे आएगा, आपको 1300-1400 के आसपास मिलेगा आज की डेट में, मयूर सिक्के की बात में कर रहा हूँ। और अगर फाइन कंडीशन में है तो लगभग 700-800 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है। तो एक बात आप सोचिए, जो सिक्का अच्छे कंडीशन में या फिर UNC कंडीशन में 6 महीने 1 साल पहले था 700-800 रुपये, वही सिक्का आज की डेट में UNC कंडीशन में लगभग 2000 प्लस में बिक रहा है। इसका जो प्रूफ है वो भी मैं आपको दे दूंगा। आप थोड़ा सा साइड स्क्रीन में आप नज़र रखिए, देखिए एक सेलर फेसबुक में सेल कर रहे हैं 2200 रुपये में। उसका को जो मैंने जब मैंने प्राइस पूछा था तो उन्होंने मुझे मैसेंजर में कहा था कि इसका प्राइस 2200 रुपीज़ है। उसका भी स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बार्गेनिंग करना चाहता था। एकदम क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, मैं चाहता था थोड़ा सा अगर 1800 या फिर 1700 में मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन बात करने से पहले ही ये सिक्का सोल्ड हो गया था। फिर मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है, मयूर सिक्का एक अच्छा सिक्का है। कितने भी सिक्के बने, किसी भी सिक्के का मयूर सिक्का क्वांटिटी में थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए मयूर सिक्के का कीमत और भी ज़्यादा आपको फ्यूचर में भी मिलेगा। और अगर आप चाहे तो मयूर सिक्के में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो साइड स्क्रीन में मैंने कहा इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। जितना हो सके मेरे से मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कैसे और कहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।